हमें लग रहा है कि ये जो सरकार इस समय है वो संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, उनकी नीयत पर हमें शक है, क्योंकि खास करके सरकार हम मानते हैं कि आरएसएस इस सरकार को चला रही है और आरएसएस के जो मुखिया हैं उन्होंने पहले भी संविधान को लेकर उनकी जो पूरी धारणा रही है उससे बहुत सारे संदेह पैदा हो रहे हैं। और ये संदेह सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हो रहा है कि आरक्षण पर उन्होंने हाथ डाल दिया है, और आरक्षण पर हाथ भी कई तरह से डाला गया है जो आपको बाकी लोग बताएंगे, लेकिन जो पूरे स्ट्रक्चर्स पर जो एक तरह से जुडिशियरी और इसके जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर एक साथ असल में इस समय हमला हो रहा है। और सबसे ज़्यादा हमला जो हो रहा है वो जो फंडामेंटल राइट्स के जो क्लॉज हैं उन पर हमला हो रहा है, जैसे 15(4), 16(4) पर हमें हमला दिख रहा है, जहाँ से रिजर्वेशन और स्पेशल प्रोविजन का के क्लॉज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें चिंता पैदा कर रही हैं, और इसलिए हम लोग संविधान के पक्ष में और लोकतंत्र के पक्ष में यहाँ पर इकट्ठा हैं, और हमें लगता है कि इस इशू पर पूरे देश को सोचना चाहिए कि अगर संविधान है तभी ये देश है। प्रतिनिधित्व दरअसल संविधान की एक मूल अवधारणा है कि जिसमें अलग अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वो 3-4 समुदायों में अलग अलग समुदायों को डिवाइड किया गया है, SC ST OBC and PH और महिलाएं, इनको लेकर सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जिसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज या मेडिकल कॉलेजेज इंजीनियरिंग कॉलेज, इनमें सरकार ने रिजर्वेशन देने के लिए एक कानून बनाया था। उस कानून को दरअसल ये कानून तो 1950 में ही बना था रिजर्वेशन का, लेकिन तो उसको लागू नहीं किया गया। जो वंचित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स OBC के लोग हैं, और उनको संविधान ने कुछ सेफ गार्ड्स दिए हुए हैं, उन सेफ गार्ड्स को रिप्रेजेंटेशन के रूप में रिजर्वेशन के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले 70 साल से लगभग SC ST OBCs की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं दे आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, और अब आके जो वर्तमान की सरकार है वो उन प्रोविजंस को ही खत्म कर दे रही है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि अभी जो इंटरव्यू देने जाता हूँ, मैं फेस करता हूँ, तो मेरी सारी डिग्रियाँ देखी जाती है, परसेंटेज देखे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक न एक कहीं ना कहीं कास्ट इशू आता है, और वो लोग मेरे नाम से जैसे तो सो नहीं होता क्योंकि मेरे टाइटल में है नहीं स्वरूप में, लेकिन फिर भी वो पूछने की कोशिश करते हैं मतलब इनडायरेक्टली रूप से। ये इसके पीछे का मोटिव समझ में नहीं आता है। यही उच्च स्वर्ण लोग या तथाकथित उच्च वर्ण के जो लोग हैं ये बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल चाहते हैं समानता, लेकिन ये समानता चाहते हैं तो यहाँ पे वही लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग किस प्रकार का समानता स्थापित करना चाहते हैं। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए आरक्षण का नियम डाला गया है, एक समाज में प्रतिनिधित्व हो सके हर एक वर्गों का, इसलिए आरक्षण डाला गया है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब My name is Valentina and I teach public policy in Ambedkar University, Delhi. We are here today to protest against the anti-reservation policies of this central government. And the day they had taken swearing in, from that day itself, their Brahminical agenda is on rise. Slowly and steadily, they are they are completely destroying the institutional, constitutional guarantees which we had got. And from the backyard, they are trying it, they are trying to manipulate the system so that the most oppressed and the most marginalized people won't get benefits of affirmative action. And as many of us know that SC, STs and OBCs come from the lower margins of the society, and institutional support is very much required for that, because they didn't reach to that level that they can compete with the upper caste people on all fronts. जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आप ये जो देश में स्टूडेंट के मुद्दे को लेके तमाम जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, हैदराबाद या सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, JNU DU, इसका मुख्य वजह है 5 मई 2016 को एक UGC गजट आता है, और उस UGC गजट में कहा जाता है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 50% क्वालिफाइंग होगा। अगर 50% क्वालिफाइंग होगा तो इसका मतलब है कि SC ST OBCs को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तीनों संस्थानों में आप देखिए
कि कैसे विधानसभा में और संसद में, लोकसभा राज्यसभा में जो भी मार्जिनलाइज्ड क्लास के लोग हैं उन्हें कैसे डराया धमकाया जाता है।